हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सेल सिग्नलिंग के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे हम लोगों ने जीपीसीआर रिलेटेड जो भी सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं उनके बारे में स्टडी किया। और उसके बाद मैंने आपको एक ब्रीफ अकाउंट दिया ग्वानिनिल साइक्लेजेस के बारे में, ठीक है। साइक्लिक जीएमपी के प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स के बारे में भी बताया और मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स सेल सिग्नलिंग में किस तरह से इन्वॉल्व होती हैं, मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको। उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब मैं आपको सेल सिग्नलिंग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा था, मतलब हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि सिग्नल को परसेप्ट करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको तीन मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक। पहले को हम लोगों ने कहा था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, और मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जो रिसेप्टर्स होते हैं इसमें 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलाइसेस होते हैं और ये एक स्पेसिफिक हेटरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन से कपल्ड होते हैं, ठीक है। मतलब ये अपना एक्शन जब लेते हैं तो एक जी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब इन रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन किसी आयन चैनल की ओपनिंग या फिर क्लोजिंग को ट्रिगर करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको तीसरी कैटेगरी जो बताया था वो थे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। आज हम लोग एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के बारे में स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं इनकी खास बात क्या होती है, सबसे पहली बात तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मैंने आपको बताया दे आर द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं उन्हीं की एक वैरायटी होती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक। ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है, ठीक है। दूसरा, इनके पास या तो इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। या तो इनके पास इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी का मतलब ये हुआ जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहां पे ये रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हो गया, इसका ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन हो गया, और ये क्या है, इसका साइटोसोलिक डोमेन, ठीक है। तो इसके साइटोसोलिक डोमेन पे यहां रिसेप्टर के पास ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, ठीक। यहां पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक तो ये हो गया, इसलिए इनको एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर कहते हैं। दूसरा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दे आर एसोसिएटेड विद एन एंजाइम या एंजाइमेटिक प्रोटीन, या फिर ये एक इंट्रासेलुलर एंजाइम के साथ में कपल्ड होते हैं, ठीक है। मतलब रिसेप्टर का एक्टिवेशन अलग है, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, ठीक है। यहाँ इस केस में क्या होगा, रिसेप्टर के पास कोई भी काइनेज एक्टिविटी नहीं है, कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, ठीक है, जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद में इससे एसोसिएटेड एक प्रोटीन काइनेज है, ठीक, इससे एसोसिएटेड ये एंजाइम है, ठीक। तो कुल मिला के ये रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं तो या तो ये एक साइटोसोलिक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं या तो इनके साइटोसोलिक रीजन में खुद अपने पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू ये सिग्नलिंग रिस्पांस देते हैं, ठीक है। इस तरह के जो भी रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जो होते हैं, इनको 6 मेजर क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स को 6 मेजर क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। कितने? 6 मेजर क्लासेस, 6 मेजर क्लासेस होते हैं इनके, ठीक। 6 मेजर क्लासेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे दीज आर द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक। इस तरह के जो भी रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, इनके साइटोसोलिक रीजन में टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। क्या होती है, जो हमारा ये हमारा ईसीएम है अगर, और ये हमारा साइटोसोल है, तो यहाँ पे जो हमारा साइटोसोलिक रीजन होगा इनके पास इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये पहले खुद को फास्फोरिलेट करते हैं,
फिर एक स्मॉल सेट ऑफ टारगेट प्रोटीन्स को फास्फोराइलेट करते हैं और फिर सिग्नलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करवाते हैं। ठीक है, तो इनके खुद के पास क्या है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, जैसे कि हमारे ग्रोथ फैक्टर्स के जो रिसेप्टर्स हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स के रिसेप्टर्स हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स के जो रिसेप्टर हैं, फाइब्रोब्लास्ट डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स के जो रिसेप्टर्स हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे टायरोसिन काइनेज वाली कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सेकेंड कैटेगरी का जो हमारा रिसेप्टर होता है, दैट इज एंजाइमिन रिसेप्टर, दीज आर द टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड एसोसिएटेड रिसेप्टर। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइमिक जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो रिसेप्टर के पास नहीं होती। ठीक है, वो रिसेप्टर के पास नहीं होती है, वो अलग से किसी एक साइटोसोलिक एंजाइमेटिक प्रोटीन के साथ में लिंक होते हैं, और इस जो एंजाइम है इसके पास में कौन सी एक्टिविटी है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है। जैक स्टैट पाथवे में आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, जेनस काइनेज इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कैटेगरी पे हम लोग पहुंचते हैं, दीज आर द हिस्टिडिन काइनेज एसोसिएटेड, हिस्टिडिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर्स। ठीक, और इस तरह के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ज्यादातर प्लांट्स एंड बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, हिस्टिडिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर्स प्लांट और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, टू कंपोनेंट सिस्टम में, बहुत डिटेल में बात करूंगा इसकी मैं, जब आपको बैक्टीरिया में सिग्नलिंग पढ़ाऊंगा तो हिस्टिडिन काइनेजेस की बहुत ही डिटेल में बात करूंगा, प्लांट और बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं। फोर्थ पे चलते हैं, रिसेप्टर सीरीन थ्रियोनिन काइनेज, रिसेप्टर सीरीन थ्रियोनिन काइनेज, टीजीएफ बीटा का जो रिसेप्टर होता है वो इस कैटेगरी में आता है। किसका रिसेप्टर, टीजीएफ बीटा का, आगे चल के इसके बारे में बात करूंगा। ये रिसेप्टर सीरीन थ्रियोनिन काइनेज कैटेगरी में आते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक्टिवेट होने के बाद स्पेसिफिक सीरीन रेजिड्यू या फिर थ्रियोनिन रेजिड्यू को फास्फोराइलेट करते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है रिसेप्टर लाइक टायरोसिन फास्फेटेजेस, रिसेप्टर लाइक टायरोसिन फास्फेटेजेस, ये भी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये क्या है, ये काइनेज नहीं है, फास्फेटेज है। ये क्या करते हैं, ये फास्फेट स्ट्रिप करते हैं स्पेसिफिक टायरोसिन फास्फोरिलेटेड टायरोसिन रेजिड्यू से। मतलब कोई टायरोसिन रेजिड्यू है जिसको किसी रिसेप्टर ने या फिर किसी एंजाइम ने फास्फोराइलेट किया है, तो वहां से फास्फेट को स्ट्रिप करने का काम ये वाले करते हैं, कौन, रिसेप्टर लाइक टायरोसिन फास्फेटेजेस। ठीक है, ये काम करते हैं। ठीक है, तो एक बचता है, एक इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दे ज्यादा रिसेप्टर ग्वानिलिन साइक्लेज। ठीक, इसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था कि जो हमारे ग्वानिलिन साइक्लेजेज होते हैं दो तरह के पाए जाते हैं, एक हमारे सॉल्युबल ग्वानिलिन साइक्लेजेज होते हैं, साइटोसोलिक होते हैं, और दूसरे हमारे रिसेप्टर ग्वानिलिन साइक्लेजेज होते हैं, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, वो भी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये छह कैटेगरीज हैं, इन छह कैटेगरीज के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कुछ सिग्नलिंग का एग्जांपल लेते हुए हम लोग इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेज की। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेज की। ठीक है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेज के बारे में मैंने आपको बताया कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं इनके पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है साइटोसोलिक रीजन में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिसेप्टर तब एक्टिवेट होता है जब उससे एक सिग्नल मॉलिक्यूल आकर के बाइंड करता है, क्योंकि बिना सिग्नल मॉलिक्यूल के कोई भी रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो सकता। ठीक है, कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस तभी एक्टिवेट होंगे जब उनको एक प्रॉपर सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो कौन कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आरटीके को एक्टिवेट करते हैं, तो हम उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स,
ग्रोथ फैक्टर्स, मतलब इन ग्रोथ फैक्टर्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो कैसे होंगे, आरटी के होंगे। ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इपीडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, इपीडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इपीडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन आता है, इंसुलिन का रिसेप्टर, ये सारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, इन सारे लाइगेंड्स के जो भी रिसेप्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, आर टी के की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इनर नर्व डिराइव ग्रोथ फैक्टर एन जी एफ, नर्व डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये भी इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये सारे सिग्नल्स हैं जो कि बेसिकली आरटीके को एक्टिवेट करते हैं। और फिर क्या आता है, सिग्नलिंग रिस्पॉन्स, सिग्नलिंग रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो आपको सिग्नल पता चल गया, ठीक। तो अब हम इनमें से कुछ एग्जांपल लेके आपको आरटीके की एक्टिविटी समझाने की कोशिश करेंगे। एक सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है वो बेसिकली एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, मैंने आपको अभी अभी ये चीज बताया, ठीक। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, इसके पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, वन एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ठीक। और यही जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, ये क्या होता है, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, लाइगेंड बाइंडिंग, ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है, ठीक। उसके बाद दूसरा डोमेन होता है, दैट इज द ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, इसके पास एक अल्फा हेलिक्स होता है, इसका मतलब ये एक ही बार मेम्ब्रेन को स्पैन करेगा, ठीक। ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ये है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, और एक इंट्रा सेलुलर, एक साइटोसोलिक, साइटो सोलिक काइनेज डोमेन, जिसके पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है। ये कौन सा डोमेन है, टायरोसिन काइनेज वाला डोमेन है, ठीक है, टायरोसिन काइनेज वाला डोमेन, ठीक। तो ये बेसिक तीन बेसिक यहाँ पे रीजंस होते हैं, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा जहां से लिगेंड आकर के बाइंड करेगा, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन मेम्ब्रेन को स्पैन करने में हेल्प करेगा, हाइड्रोफोबिक रीजन है, यहाँ पे अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। और साइटोसोलिक रीजन जो है उसके पास क्या है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे, जो हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है, ठीक है। अब ये हमारा जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, इसके हमें सिग्नल हमें पता चल गया, इसका स्ट्रक्चर पता चल गया, सारी चीजें जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमको पता चल गया। तो थोड़ा सा हम लोग इससे इसका एक और बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये एक्टिवेट किस तरह से होता है, ठीक। एक्टिवेशन की अगर हम लोग बात करें, एक्टिवेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, एक्टिवेशन की बात करें, तो नॉर्मली ये जो रिसेप्टर होता है ये मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जब लाइगेंड एब्सेंट होता है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइगेंड, इन द एब्सेंस ऑफ लाइगेंड, ये मोनोमेरिक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मोनोमेरिक इनएक्टिव फॉर्म, मोनोमेरिक इनएक्टिव फॉर्म पड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई प्रॉपर लाइगेंड आता है और एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में बाइंड करता है, ठीक है, लाइगेंड आया, लाइगेंड आया और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से आकर के बाइंड किया, ठीक है, तो तुरंत क्या होगा, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन शुरू होगा, रिसेप्टर डाइमराइजेशन, ठीक।
इसका मतलब ये हुआ कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को अगर एक्टिवेट होना है तो उसको मोनोमेरिक फॉर्म से डाइमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक, मतलब दो रिसेप्टर जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे तभी ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। ठीक, सपोज दैट एक रिसेप्टर ये है मोनोमेरिक फॉर्म, एक रिसेप्टर ये मोनोमेरिक फॉर्म है, दोनों ही रिसेप्टर से एक एक लाइगेंड आकर के बाइंड करेगा। ठीक, जैसे ही लाइगेंड बाइंड करेगा दोनों ही रिसेप्टर क्या होंगे, पास पास आने लगेंगे, और जब ये पास पास आना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, डाइमराइजेशन हो जाएगा। ये देखिए दोनों रिसेप्टर पास पास आ गए, दोनों डाइमराइज हो गए। ठीक है, अब ये डाइमराइज, डाइमराइजेशन। ठीक, अब ये दोनों, अब ये क्या है, अब ये एक्टिवेटेड है, अभी एक्टिवेट हो रहा है, अभी रिसेप्टर एक्टिवेट होना शुरू हुआ है। जैसे ही दोनों रिसेप्टर पास पास आते हैं इनकी जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी स्विच ऑन होती है। ठीक है, जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी स्विच ऑन होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाता हूँ और दिखाता हूँ आपको क्या क्या होता है, क्या क्या इवेंट होते हैं एक्टिवेशन के दौरान। ठीक, मैंने कहा कि जब ये हमारे रिसेप्टर्स हैं इनका डाइमराइजेशन हो चुका है, ठीक है, आ करके लाइगेंड बाइंड कर चुका है, ठीक, और डाइमराइजेशन हो चुका है। अब जैसे ही डाइमराइजेशन होगा तो ये क्या करेंगे, ये पहले, सबसे पहले अपना ऑटो फास्फोराइलेशन करेंगे। ठीक, अपना ही फास्फोराइलेशन करेंगे, ठीक, स्पेसिफिक टायरोसिन रेजिड्यू पे। ठीक है, क्या करेंगे, ऑटो फास्फोराइलेशन, ऑटो फास्फोराइलेशन एट स्पेसिफिक टायरोसिन रेजिड्यू। ठीक, और जैसे ये फास्फोराइलेशन होगा इनका जो, इनकी जो कैटालिटिक सेंटर का जो एक्टिव सेंटर होता है बेसिकली वो खुल जाता है। ठीक, जो काइनेज डोमेन का एक्टिव सेंटर होता है वो ओपन हो जाता है और काइनेज एक्टिविटी फुल्ली स्विच ऑन हो जाती है जैसे ही एक फॉस्फेट यहाँ से जुड़ा। तो फिर क्या करेंगे, जब एक फॉस्फेट जुड़ने से काइनेज एक्टिविटी फुल्ली स्विच ऑन हो गई तो ये क्या करेंगे, सेलुलर एटीपी को यूटिलाइज करेंगे और मल्टीपल फास्फोराइलेशन करेंगे टायरोसिन रेजिड्यू पे, बहुत सारे टायरोसिन रेजिड्यूज को ये फास्फोराइलेट करेंगे। ठीक है, फिर से सुनिएगा, लाइगेंड बाइंडिंग हुई, रिसेप्टर डाइमराइज हुआ, डाइमराइज होते हुए इसका जो काइनेज एक्टिविटी है वो थोड़ी सी स्विच ऑन हुई, जिसके थ्रू क्या हुआ, एक्टिव सेंटर में एक स्पेसिफिक टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन रेजिड्यू का क्या हो गया, फास्फोराइलेशन हो गया। ठीक, जैसे ही वो फास्फोराइलेशन हुआ एक्टिव सेंटर खुल गया, काइनेज एक्टिविटी पूरी तरह से स्विच ऑन हो गई और उसने रिसेप्टर का बहुत ज्यादा, मतलब जहां जहां पे उसको टायरोसिन, स्पेसिफिक टायरोसिन मिलते गए बहुत सारे टायरोसिन रेजिड्यूज पे उसने क्या किया, फास्फोराइलेशन कर दिया। अब ये फास्फोराइलेटेड प्रोटीन क्या करेगी, जो सेल्स में अदर एडेप्टर प्रोटीन्स हैं बेसिकली SH2 डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स और फास्फोटायरोसिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, इन दोनों डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स को ये अपनी तरफ क्या करता है, इंट्रैक्ट करता है और फिर क्या करता है, सिग्नलिंग रिस्पॉन्स देता है, फिर ये सिग्नलिंग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है। ठीक है, अब कब SH2 वाली प्रोटीन आकर के जुड़ेगी, कब फास्फोटायरोसिन बाइंडिंग प्रोटीन आकर के जुड़ेगी, ये डिफरेंट टाइप के सिग्नलिंग पाथवेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है वो बेसिकली तीन पाथवेज के थ्रू अपनी सिग्नलिंग प्रोसेस शो करता है, तीन पाथवेज के थ्रू। अगर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होता है तो ये तीन सिग्नलिंग पाथवेज फॉलो करता है, थ्री सिग्नलिंग पाथवेज मेजर हैं ये। पहला होता है रेस मैप काइनेज पाथवे। पहला तो ये होता है रेस मैप काइनेज पाथवे, रेस को एक्टिवेट करेगा फिर मैप काइनेज पाथवे को एक्टिवेट करेगा। दूसरा PI3K मीडिएटर होगी यहाँ पे। और तीसरा DAG IP3 पाथवे। ठीक है, तो एक्टिवेशन तक आप समझ गए, सिग्नल आया, रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। अब रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद
अब वहां पे किस तरह का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आकर के बाइंड किया गया है और कौन सा रिसेप्टर है, उस पे डिपेंड करेगा कि इन तीनों में से कौन सा पाथवे फॉलो होगा। मेनली यही तीनों पाथवे फॉलो होंगे, ठीक है। सपोज दैट एक लिगेंड आया, ठीक है, वो बाइंड किया अपने रिसेप्टर से और उसने रैस मैप काइनेज पाथवे को एक्टिवेट किया। दूसरा रिसेप्टर आता है, किसी और कैटेगरी का रिसेप्टर है, वो PI3 के पाथवे फॉलो कर रहा है। कोई और रिसेप्टर आया, DAG IP3 पाथवे फॉलो कर रहा है, ठीक। तो बेसिकली यही तीनों पाथवेज हैं जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू एक्टिवेट होते हैं और सेलुलर रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग रैस मैप काइनेज पाथवे की बात करेंगे, ठीक है। शुरू से अंत तक कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, किस तरह से पूरा पाथवे चलता है, हम लोग सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।